टू इन माय चैनल। सो आज मैं आप लोग के लिए बंगाली स्टाइल पटाटा बड़ा की रेसिपी लेकर के आई हूँ। आइए झटपट से बन करके बहुत ही चटपटा नाश्ता तैयार होता है, तो चलिए इसको बना करके आप लोग के साथ शेयर करते हैं। आइए मार्केट जैसा हमारे घर पे ही तैयार हो जाएगा। मेरा ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पहले करेंगे इसका मसाला हम रेडी। तो मसाला बनाने के लिए हम एक लेते हैं कढ़ाई। कढ़ाई को हम हीट होने देते हैं। जैसे ही मेरा कढ़ाई हीट होगा इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। आप मस्टर्ड ऑयल में बनाइए या रिफाइंड ऑयल, जो ऑयल आप खाते हैं, जो यूज करते हैं उसमें इसको बनाइए। ऑयल को हम फैला लेते हैं और पैन गर्म हो जाएगा। इसके बाद हम ऐड करते हैं एक लाल सूखी मिर्च और थोड़ी सी मस्टर्ड सीड्स, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी जीरा। इससे डालने से इसका जो मसाला बनता है बहुत फ्लेवरफुल बनता है और एकदम अच्छा टेस्ट इसका आएगा। तो ये सारे को हम डाल दिए। इसको थोड़ी सी हम चटकने देते हैं। देखिए चटकने लगा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज का अनियन चॉप करके। रखिए चॉप कर लिए इसको। तो एक बार इस तरीके से जब बनाइएगा मसाला तो आपका समोसा या पटाटा बड़ा या फिर डोसा मसाला सबका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। तो सूखे मसाले का जो टेस्ट है उससे ज्यादा बेहतर टेस्ट आपका ये खड़ा मसाला का आता है। ये मसाला हमारा भून रहा है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 टेबल स्पून ऑफ गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट। इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी वाटर। वाटर ऐड करके इसको हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ी सी भून लेते हैं। इसको भूनने देते हैं 2 मिनट। तो आज के जो मसाले हम बना रहे हैं एकदम मल्टीपल मसाला है। ये आप हर एक चीज में यूज कर सकते हैं। ये आप समोसे बनाइए, पटाटा बड़ा बनाइए या फिर मसाला डोसा बनाइए। इसमें थोड़ी सी ऐड किए हैं पीनट। इसको हम भून लेते हैं जब तक एक अच्छी खुशबू ना जाए। ये हमारा भून जाएगा। इसके बाद ऐड करेंगे इसमें हम कुछ सूखे मसाले। तो आप एक बार इसको रेडी कर लीजिएगा तो आपकी एक ही मेहनत में कई तरह का जो डिश है वो रेडी हो जाएगा। आप चाहे समोसा बनाइए, पटाटा बड़ा बनाइए या फिर मसाला डोसा बनाइए, ये सब में एडजस्ट हो जाएगा। सबके लिए बहुत ही मल्टीपल है। इसको एक बार बना करके आप रख भी सकते हैं। तो चलिए इसको हम कवर करके भून लेते हैं 1 से 2 मिनट। जब तक हमारा भून रहा है तब तक हमें लिए हैं 400 ग्राम पोटैटो। इसको हम बॉइल करके स्किन उतार लिए हैं। अब इसको हम थोड़ा मैश देंगे करके रख लेते हैं। मसाले जो हमारा भून चुका है अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। सूखे मसाले में हम लेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑफ धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑफ जीरा पाउडर और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लेंगे। अब इन सबको अच्छे से भून लेंगे। जब मसाले हमारे जब अच्छे से भून जाएंगे तो अभी इसमें हम ऐड करेंगे मैश किया हुआ पोटैटो। तो पोटैटो से जो है वो रफली मैश करना है ताकि इसमें छोटे छोटे जो है चंक्स रह जाए। फाइन नहीं करना है उसको और ग्रेटर से भी नहीं करना है क्योंकि अगर थोड़ा रफली कीजिएगा इसमें हल्का चंक्स रहेगा तो फ्लेवर जो है हमारा वो अच्छा आता है। पहले हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। देखिए हमारा अच्छे से भून चुका है। इसमें खुशबू भी आ रही है और ऑयल भी है सेपरेट होने लगा है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मैश किए हुए पोटैटोज़।
तो देखिए हम इस तरह से टर्टल को जो मैश किए हैं तो थोड़ी सी चंक्स है तो इससे जो हमारा फ्लेवर है मसाले में अच्छा आता है। तो इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक सबको मिक्स कर लेके हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। इस तरह से अगर मसाले बना करके आप रखिएगा तो बहुत इजी होगा आपको किसी भी चीज में बनाने के लिए। इसमें एक ही मेहनत से मनपसंद कई चीजें रेडी कर सकिएगा। तो देखते हैं हमारा मसाला जो है इस तरह से भून लेते हैं 2 से 3 मिनट। अब मसाले में हम थोड़ी सी डालेंगे गरम मसाला, तो लास्ट में हम थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। अरे फाइनली हम थोड़ी सी डालेंगे हरी धनिया काट करके। बस ये मसाला जो हमारा झटपट बन करके रेडी हो गया है। अब इसको हम रखते हैं साइड में और करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन। तो मसाला देखिए हमारा झटपट बन करके रेडी हो गया है एकदम, ये होटल जैसा आपका बन करके रेडी होगा। चाहे इसको आप समोसे बनाइए या पटाटा बेड़ा बनाइए, कुछ भी बनाइएगा तो इसका जो फीलिंग्स है बहुत टेस्टी रेडी होकर के। तो इसका फ्लेम कर देते हैं ऑफ, इसको करते हैं साइड और करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। हमारा ठंडा हो रहा है तब तक उसमें हम सर्व करने के लिए एक बनाते हैं ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए लिए हैं एक इतना धनिया का पत्ता, इसमें डालेंगे 2-3 गार्लिक, इसमें डालेंगे हम ग्रीन चिल्ली, थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें हम सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी ऐड करेंगे हम लेमन जूस, 1/2 टेबल स्पून ऐड करेंगे लेमन जूस। और उसके बाद थोड़ी सी ऐड कर देंगे हम वाटर, और इसको हम एक ग्रीन चटनी बना करके उसके साथ सर्व करने के लिए रेडी कर लेते हैं। तब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है। तो मसाला और चटनी हमारा रेडी है, तो चलिए अब करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस। तो 1 कप लेंगे हम ये बेसन, बेसन को हम छन्नी से छान लिए हैं ताकि इसमें कोई किसी तरह के लम्स न रहे। इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून ऑफ अजवाइन, तो अजवाइन का हथेली पर लेकर के इस तरह से मसल लेंगे और मसल करके इसमें हम ऐड करेंगे। अजवाइन से हमारा 2 बेनिफिट होता है, एक डाइजेशन में हेल्प करता है, दूसरे इससे हमारा फ्लेवर जो है अच्छा आता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे सॉल्ट और 1 पिंच ऑफ डालेंगे मीठा सोडा, जिससे पटाटा बड़ा जो है हमारा अच्छा खिलेगा और थोड़ा इसमें क्रंच भी आएगा। अब इसको हम थोड़ी सी डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर जस्ट कलर के लिए, और इसकी हम थोड़ी थोड़ी वाटर ऐड करके एक रेडी करेंगे घोल। तो वाटर जो है हम थोड़े थोड़े ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें किसी प्रकार का लम्स ना आ जाए। अगर लम्स आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए तो वाटर जो है वो आप एक बार ना ऐड कीजिए, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए और मिक्स करते जाइए इस तरह से। तो देखिए हमारा भी जो बैटर है बहुत थिक है, तो अब इसमें ऐड करते हैं थोड़ी सी और वाटर। और इसमें अब हम वाटर का ऐड करेंगे तो लम्स जो है नहीं बनेगा, इसीलिए थोड़ी थोड़ी करते जाएंगे वाटर ऐड और मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह से पटाटा बड़ा बनाने के लिए हमको बैटर पे जो है अच्छे से 5 से 7 मिनट तक हमको मिक्स करना है। अब मिक्स कर करके इसको फूलने के लिए 5 से 7 मिनट रख देंगे, तो उससे जो है पटाटा बड़ा आपका बंगाली स्टाइल हम बना रहे हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से इसका खाने में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और यह कोलकाता स्टाइल फ्लेवरफुल हमारा पटाटा बड़ा जो है रेडी होगा। तो देखिए इसको 5 से 7 मिनट हो चुका है,
इसका देखिए परफेक्ट बैटर जो है हमारा रेडी है। अब इससे ज्यादा इसको न गाढ़ा न पतला, बस यही कंसिस्टेंसी का हमको बैटर जो है वो चाहिए। देखिए इसको करेंगे हम कवर, कवर करके हम रख देंगे इसको साइड में। और चलिए तब तक हम करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो पटाटा बड़ा का बैटर जो हमारा फूल रहा है, तब तक हम चलिए इसका मसाला भी देखिए हमारा रेडी है, ठंडा हो चुका है। अब इसको इतना साइज का, जितना साइज का पटाटा बड़ा बनाना चाहते हैं उतना साइज का ये मसाला लीजिए। हम मसाला लेकर के इस तरह से बॉल बना बना करके हम साइड में रखेंगे और बॉल बना करके सारे पटाटा बड़ा का इस तरह से बॉल बना बना करके हम रख लेंगे, क्योंकि फ्राई करते समय इससे हमारा हेल्प मिलेगा। तो सारे पटाटे बड़े को हम बना लेते हैं, अब बना करके साइड में रख लेते हैं। इसके बाद चलेंगे इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। ते हैं पटाटा बड़ा फ्राई करने के प्रोसेस में। तो कढ़ाई हम बैठाए हैं, अब इसको हम करते हैं फ्लेम को ऑन। कढ़ाई को जो है हीट होने देते हैं। कढ़ाई हमारा जैसे ही हीट होगा इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, हम सनफ्लावर ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। तो ऑयल हमको ये पटाटा बड़ा जो है डीप फ्राई होगा, तो इसके लिए जो ऑयल है हम थोड़ा एक्स्ट्रा डालेंगे। तो ऑयल हम ऐड कर दिए हैं, ऑयल को हीट होने देते हैं। तो चलिए एक बार देख चेक करते हैं बैटर को। तो देखिए बैटर जो हमारा फूल चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे ले लिए हैं बॉल्स जो हम पोटैटो बॉल्स बना के रखे थे, तो उसको हम इस तरह से ले लिए हैं। लेकर के इस तरह से हथेली ऊपर हल्का हल्का दबा देंगे, दबा करके इसका हल्का सा चपटा कर लेंगे। इसके बाद इसको ऐड करेंगे हम इस बैटर में, और बैटर में ऐड करके इसको अच्छे तरीके से इस बेसन के घोल से कोट कर देंगे, ताकि ये ऑयल में जाने के बाद अच्छे से फूल सके। ये हमारा कोट हो गया है, चलते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। तो ऑयल हमारा ये गर्म है, अब इसमें स्पून के सहायता से हम इस तरीके से उठाएंगे और इस ऑयल में हम इसको ऐड कर देंगे एकदम। ये देखिए बंगाली स्टाइल हमारा जो पटाटा बड़ा है वो रेडी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सारे पटाटे बड़ा को एक बैच में जितना आएगा ऐड कर लेंगे। तो देखिए हम दोनों तरीके से, एक तरफ से हमारा ये पटाटा बड़ा जो है सीख चुका है, अब इसको हम पलट लेंगे। अब पलट करके इसको हम दूसरी तरफ से भी सेक देंगे और अच्छे से गोल्डन कलर होने तक हम पलट पलट कर दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो एकदम हमारा ये मार्केट जैसा जो पटाटा बड़ा है वो रेडी हो गया। झटपट से हमारा जब भी कुछ खाने का तीखा चटपटा मन करे आप इसको घर पे ही फट से तैयार कर सकते हैं बिना मेहनत के। तो अब देख रहे हैं कि हमारा जो सुनहरा कलर हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये अगर फ्लेम आप सही रखिएगा तो एक्स्ट्रा ऑयल भी है नहीं एब्जॉर्ब करेगा। तो सारे पटाटे बड़े को हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। देखिए हमारा मस्त एकदम बना है। तो गर्मा गर्म हमारा पटाटा बड़ा जो है वो रेडी है। देखिए चलिए इसकी करते हैं प्लेटिंग। तो देखिए हमारा मार्केट जैसा टेस्टी क्रिस्पी बंगाली स्टाइल पटाटा बड़ा जो है बनकर रेडी हो गया है। इसमें मेहनत भी नहीं लगा, झटपट से हमारा बन गया। तो जब भी कुछ घर में तीखा चटपटा खाने के मन करे तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन बनता है, इसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो देखिए हमारा ये रेडी है पटाटा बड़ा। इसके साथ में सर्व करेंगे जो ग्रीन चटनी और ये टमेटो सॉस। आइए देखिए बंगाली स्टाइल पटाटा बड़ा रेडी है। मेरे रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको अपने घर पे बना करके जरूर ट्राई कीजिएगा।